हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल से 522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप ऐसी जैसे सुबह के 12 बज चुके हैं। तो गाइज़ चलो, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम शूट के लिए और बहुत ही सुंदर ड्रेस मैंने पहना है। ये फुल वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, तो ज़रूर जाके देखना और ड्रेस की मेरी तारीफ कर देना, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। तो चलो गाइज चलते हैं और आपको भी मिलते हैं सीधा लोकेशन पर। अच्छा, मैंने आपको देखा तभी पहचान लिया। अच्छा अच्छा, तो गाइस लखनऊ और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रहा है, पता नहीं कैसे शूट कर। और आज एक कान से मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। मेरा आईडी Rich0522। ये है फुहारा, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस बात पे आप जज मत करिए, ये मेरा तकिया कलाम है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना अपना अपना वे। और ये देखो फ्लैग लहरा रहा है फाइनली, और फाइनली हमारा शूट हो गया है गाइस। तो चलो चलते हैं। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, बट ड्रेस इतनी ब्यूटीफुल थी ना कि शूट करना तो बनता था यार, क्या बोलूँ। चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद का व्लॉग। तो जैसा आपने देखा कि मैं शूट से वापस आ गई थी, फिर मैं शूट के दौरान ही शायद कर रही थी कि मेरे कान में आज बहुत दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मेरे कान में। और आज जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण जी की छठी है, तो इसके लिए मम्मी जब आएंगी तो कुछ चीज़ें बनाएंगी, मतलब खाने के लिए बनानी है तो बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज का ज़्यादा मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वही पता नहीं क्या क्या दिक्कतें मुझे महसूस होती रहती, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो समझने वाले वो समझते, जो नहीं समझते उनको मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ बैठी भी नहीं हूँ। तो चलो, कुछ तैयारी मैंने कर दी है, बाकी भी तैयारी हो रही है। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कब आएंगे पप्पा, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 7 तारीख की डेट है, तो 7 तारीख को ही आएंगे। अब उनसे पहले तो नहीं आ सकते, और जब भी आएंगे तो आपको ब्लॉग के थ्रू और चीज़ें पता चलेंगी। और आप लोगों में से किसी ने बोला कि आप नवरा साड़ी, शायद उसको ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एक्चुअली कमेंट अभी पढ़ा नहीं उतना ध्यान से, बट वही कमेंट आ रहा था। तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, हमने पिछले बार सीखा था और हमने पहनी भी थी, अब देखते हैं इस बार हम कैसे क्या करते हैं, तो हम सब आपको दिखाएंगे। और आप टेंशन मत लो, बिल्कुल हम ब्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कुछ कहते हैं तो डिमांड आप लोगों किससे ज़्यादा, मैं खुद सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, और फेस्टिवल आ रहा है तो ज़रूर मैं ये करती हूँ। तो बस यही आप लोगों के कमेंट से मैंने कहा रिप्लाई दे देती हूँ, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। है आज है जन्माष्टमी का 6ठा दिन, मतलब कि छठी है, तो उसी के हिसाब से फिर खाना बना है। छठी के लिए अच्छा अच्छा सा खाना बना है, पूजा होगी, भोग लगेगा, जो भी छठी में खाना बना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और काजल लगेगा क्योंकि छठी पे यही सब होता है। तो चलो सेट कर, आपको देंगे हम भोग के लिए कटहल की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, कढ़ी, सेवई, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, बड़े, ये सब कुछ बना हुआ है भोग के लिए। अब बस कान्हा जी हमारे भोग लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आरती हो रही थी और घंटी की आवाज़ की वजह से गड़बड़ सुनाई दे रहा था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस कि मतलब आरती करने में ही पूरा बेहोशी वाली हालत हो गई थी, पर हमें पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था, बहते जा रहा था, क्या बोलूँ। बट खैर आरती हो गई, आरती के बाद अभी तो मैं आरती पढ़ ही रही हूँ, तो आप देख रहे हैं आरती कुंज बिहारी की, शिखिर धर कृष्ण मुरारी की। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी क्योंकि YouTube का तो कोई भरोसा ही नहीं है कब क्या हो जाता है, और तो मैंने थोड़ी बहुत आरती आपको दिखाई, बाकी मैं हो रही है यहाँ पे आरती, सब अपना आरती में ही बिज़ी हैं, तो फ़ोन लगा दिया है, बाकी फ़ोन में शूट हो रहा था। और आप लोग भी कान्हा जी से विश मांगना तो आप मांग सकते हो, वो बात अलग है, भगवान इतनी जल्दी सुनते नहीं हैं, बहुत मुश्किलों से सुनते हैं, बट हाँ जब सुनते हैं तो
सुन लेते हैं, अभी कभी कदार सुन ही लेते, क्या बोलूँ। और मैं इधर कैमरे की ओर देख रही थी, पता नहीं, मैं ये देख रही थी कि यार मेरा फ़ोन चलते जा रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ़ोन की हालत वो हमेशा बंद हो जाता है, चलते चलते उसको बेहोशी आ जाती है और वो बंद हो जाता है। तो मैं उधर ही फिर मैं देख रही थी एक बार, बट उसके बाद मेरा कंटिन्यू आरती मैं कर रही थी, बाकी सब लोग मतलब कर रहे थे, मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी आरती। तो मैंने पढ़ ली थी आरती, आरती मुझे याद नहीं है इसलिए मुझे किताब से देख के पढ़नी पड़ती है। और आप लोग देख रहे हो कि बहुत बुरी हालत हो गई थी भाई, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी, 2 मिनट की पूजा में भी इतनी हालत ख़राब हो जाती। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मतलब जहाँ मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, वहाँ पे भी पंखा लगा है, 2 मिनट के लिए भी लोग मतलब ऐसे बैठती नहीं, पंखा चला लेते, धूप बत्ती और ये सब चलाने में भी दिक्कत होती। अच्छा मेरा ये है कि धूप बत्ती चला लो, ये सब कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी भी गर्मी, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। चलो गाइस अभी आरती हो रही है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाकी तो किसका दो? जलना था भाई, जलने देखो, खाली नाच कपड़े भी गंदे हो गए इनके भाई, अब सुबह धुलाए जाएंगे। अब ये मीठे मुंह पे लगा दे, ऐसे थोड़ी खिलाया तो सिर्फ छुआ दे, नाच चुका बहुत बोलते हैं ये, गुच्चू पर नहीं रहा जाता गए, चुप रहो, पूजा के टाइम कम से कम बोलो नहीं, इंसान इंसान खिलाएगा तो थोड़ा थोड़ा खिलाएगा तो लगेगा तो है ही, इतना ज्यादा है। अरे कृष्ण को खिलाए, राधा को मम्मी तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, हाँ तो बोलेंगे ना, अब जब तुमने खिलाने कह ही दिया तो अच्छे से खिला रहे हैं। कपड़ा नहीं है कोई, पानी कौन पिलाएगा? पिला दिया तुमसे ज्यादा मुझे पता है। गाइस ये फालतू की बकवास इग्नोर करें, पूजा पे ध्यान दें। तो गाइस चलो अब खिला पिला दिया, अब भोग का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, फिर मत कहिएगा मैंने पूछा नहीं। ओह माय गॉड, ये नंबर अभी आया था रास्ते में, खाने का टाइम आ गया क्योंकि खाना पीना हमारा सब हो गया, वही जो बना था वही सब खाना पीना भी था। तो गाइस आज के ब्लॉग को एंड करते, कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी तो मेहनत लगती है उस ब्लॉग को लाने में, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो ना यार, इतने टाइम से मैं वेट कर रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए यूट्यूब पे, लेकिन 4 साल से कंटिन्यू काम नहीं किया है, कंटिन्यू काम तो पिछले 1-2 साल, हाँ 1 साल तो हो ही गया है। तो गाइस चलो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।